एचएल टीवी न्यूज। राज्यसभा चुनाव में पैन बदलने को लेकर जारी बवाल के बाद वीडियो की जांच के बाद भी विपक्ष के आरोप जारी हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उस वीडियो में कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अम्बाला में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष हार को पहचान ही पा रहा, इनका आखिरी हथियार भी टाए टाए फिस हो गया। शर्मा ने कहा कि आर के आनंद कभी कांग्रेस तो कभी इनेलो में जाते थे, उन्हें उनकी हार पहले ही दिख गई थी। जैसा सभी ने अनुमान लगाया था कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा बड़े अंतराल से जीत कराएंगे, ठीक वैसा ही हुआ। वीडियो की जांच से पहले अभय चौटाला ने कहा था कि यदि वीडियो में कुछ ना निकला तो वो राजनीति छोड़ देंगे, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अभय चौटाला ने अपने दादा देवीलाल की नीतियों को दफन कर दिया, अब सीडी में कुछ नहीं निकला, अब उन्हें फैसला लेना है कि क्या करना है। जो राज्यसभा चुनाव को लेकर के आखिरी हथियार था इन लोगों का, क्योंकि हार के बाद ये अपनी हार को छुपा नहीं पा पचा नहीं पा रहे थे, और वो आखिरी मुद्दा भी अब इनका टाइम टाइम फिस हो गया है, क्योंकि अभी जो वीडियो देखी है सब लोगों ने उसमें कोई ऐसा मुद्दा सामने मिलकर नहीं आया। ये तो सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस और इनेलो आपस में मिले हुए थे, कांग्रेस के लोग वो नहीं चाहते थे कि हम इनेलो के साथ जाएं, और आदरणीय सुभाष चंद्र जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, वो इतने बड़े आज देश के एक कहीं सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, या देश के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है और वो चाहते हैं कि देश तरक्की की ओर जाए, ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति चाहता था कि राज्यसभा अंदर पहुंच करके वो देश के विकास के काम में लगे हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए, क्योंकि राज्यसभा में आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत ना होने के कारण से अनेक ऐसे बिल जो देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, वो पेंडिंग पड़े हैं। इसलिए हर विधायक भी ये चाहता है कि देश तरक्की करे, आगे बढ़े, इसलिए सारा मुद्दा केवल बनाया गया था। बल्कि ये जो आर के आनंद जी जो प्रत्याशी थे इन सबके, वो कभी इनेलो में चले जाते थे, कभी कांग्रेस में चले जाते थे, उनको खुद अपनी हार पहले ही दिखाई दे रही थी। कभी वो कहते थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नीतियों पर मैं चलूंगा, कांग्रेस की नीतियों पर चलूंगा, और उनको कैंडिडेट बनाया था इनेलो ने। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो किसके कैंडिडेट थे, क्योंकि आखिर में जो निकला, खोदा पहाड़ निकली चुई, और आखिर में वही बात हुई जिसका हम सब ने घोषणा की थी कि सुभाष चंद्रा जी एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीत करके राज्यसभा के अंदर पहुंचेंगे। अभी उन्होंने निर्णय लेना है कि उन्होंने क्या करना है। अभय जी को इस सीडी के अंदर कुछ भी नहीं आया। पहले तो उन्होंने अपने जो दादा थे चौधरी देवीलाल जी, उनकी नीतियों को दफन कर दिया। कांग्रेस जिसका हमेशा विरोध करते रहे चौधरी देवीलाल, उसी कांग्रेस की गोदी में जाकर अभय सिंह चौटाला बैठ गए। अब अभय सिंह चौटाला ने निर्णय लेना है कि उन्होंने जो बात कही थी वो उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। उनकी विश्वसनीयता पे अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। अम्बाला से हलचल टीवी के लिए भारत साबरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।